ऐसा है ना, सोनाडी में अभी आईपीडीएस में मुंडेल से आगे तक की लाइन से और आगे के लिए अभी इसमें ये देख रहे हैं कितने तार और बदलने हैं, उनका भी हो रहा है। तो भी देहात का अलग होना है, टाउन का अलग होना है। टाउन से सटे जितना है वो आईपीडीएस योजना में बड़ा हो गया है और टाउन वाले में उसमें हम लोग प्रस्ताव बनाए हैं। टाउन वाले भी जो जर्जर तार हैं उनको प्रस्ताव भेज के करा दिया है। सर आजकल गांव में नया नया मीटर लग रहा है जिसका चार्ज 150-200 रुपया लिया जा रहा है, क्या सरकारी रेट है? नहीं नहीं, मीटर लगाने का कोई रेट नहीं है और ये हम लोग पब्लिक से कहते भी हैं कि किसी को भी मीटर लगाने का कोई पैसा न दें, उसकी सूचना मीटर वालों को दे दें या हमारे SDO को दे दें। वो मीटर वाला क्योंकि जो एजेंसी है उसको भी कहा गया है कि आप किसी को एक पैसा नहीं देना है किसी भी चीज़ में। गांव या शहरों में आए दिन हमेशा लाइट खराब रहती है, नहीं देखिए ट्रिपिंग के लिए तो जब जैसे कोई फाल्ट हो तो फाल्ट में ज़रूर दिक्कत होती है, लेकिन हमारे SDO JEE जो कर्मचारी हैं वो पेट्रोलिंग करके जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी उसको कर देते हैं, तो सुधार तो इस समय काफ़ी हो। इस समय लाइट का शेड्यूल क्या है, कितने घंटे लाइट रहती है? देखिए लाइट का शेड्यूल तो इसे ग्रामीण के लिए 18 घंटे है और तहसील के लिए 20 घंटे है, लेकिन चूंकि इधर बरसात में ब्रेकडाउन की वजह से ज़रूर कम हो रहा है, नहीं तो सप्लाई तो इधर ठीक ठाक चल रही है।